सुबह के 7:45 बज रहे हैं अभी, मस्त नींद खुली है अभी। कल रात को मैं आंखों में क्रीम लगा के सोया हूँ, जिसकी वजह से सुबह उठा तो एकदम धुंधला दिख रहा था। मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आप जब उठोगे या बीच में आपकी जब नींद खुलेगी ना, आपको पूरा धुंधला दिखेगा, घबराना मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वही हुआ सुबह, अभी बस हाथ मुँह धो के आया हूँ, अभी कीचू और दिव्या को ड्रॉप करते हैं, फिर वापस आके शुरू करते हैं अपना दिन। गुड मॉर्निंग कीचू। और पहन लिया मैंने अपनी काली पोशाक, सूर्यदेव को नमस्कार कर देते हैं जरा। चलो इंडियंस को ज्यादा स्पाइसी नहीं। चलो बाय। मम्मा ऑफिस गई, बाय कर दो। कीचू और मैं धीरे धीरे चल के स्कूल जा रहे हैं, मतलब गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करी है मैंने, जगह नहीं थी यहाँ पे। चाहते हुए जितना मर्जी स्लो चल लो, चलवा लो इसको आप। आते हुए आपने देखी है इसकी स्पीड वापस आने की, ऐसा नहीं है, अभी एक्साइटेड है जाने के लिए। पूरी बस में सिर्फ मैं हूँ। युवा ने which is very strange, नीचे भी कोई नहीं है, लड़की के लिए लेके जा रहे हैं, लड़की के लिए यूनिवर्सिटी ने बस भिजवाई है। 4 बच्चे थे टोटल एंड में बस में, बट उतर गई हूँ। आज है फ्राइडे, ये हफ्ता बहुत जल्दी गुजर गया क्योंकि 2 दिन मैंने वर्क फ्रॉम होम किया। मेरी पहली तनख्वाह आई है, छोटी सी बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ 7-8 दिन की थी, वो साइकिल ऐसे काउंट हुई और मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, बट स्टिल इट फील्स सो गुड। टाइम हो चुका है कीचू को पिक करने का, आज मेरे को नीचे आने की फुर्सत नहीं मिली, सारा किचन अभी गंदा पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे आज कन्फ्यूजन ये हो गई थी कि एक डेट किसी और को दी हुई थी, वो तो चल ही रहा था, साथ साथ जो उस दिन मैंने किया था उसमें स्लाइट चेंजेस आ गए, लेकिन चेंजेस में टाइम तो लगता ही है, साथ साथ ब्लॉग एडिट करना, तो मैं लिटरली अब नीचे आया हूँ और मैं सीधा कीचू को पिक करने जाऊँगा अब, फिर घर पर आके कुछ खाता हूँ क्योंकि भूख भी लगी हुई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है ठोस। अभी को पिक कर लिया है, मुझे खा रहे हैं। कीचू कैसा था आपका दिन? ओके क्यूटी। आई क्यू पाइक क्यू। ओके गुड वर्क क्यू। ज्यादा तेज मत काटियो भाई, इतना नींद में है ना। चलो आज उन्होंने डांस किया ना इसलिए थक गए। कीचू महाराज इज बैक। अब मैं आ चुका हूँ नीचे क्योंकि किचन की हालत बहुत खराब है और अब इसको साफ करने का वक्त आ चुका है। सोना नहीं है कीचू आपने अभी, 1 घंटा और जगह था बस है गोगी। ओके कीचू, यू वांट हेल्प मी क्लीन? खैर पापा आप कर लो। बच्चे देखो काफी बेइज्जती कर देते हैं, न जाने न जाने में मतलब झंड कर देते हैं, बेइज्जती नहीं बोलूंगा मैं। ले इसको लेटा ही देता हूँ यार, सो गया भाई बच्चा। वैसे तो आज फ्राइडे तो 1 घंटे में उसको उठा दूंगा, उसके बाद फिर रात को अगर वो 10:30-11 बजे भी सोता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तो जाना है। ये वक्त ऐसा है मतलब नाइट में वाला टाइम होता है, ये पेरेंट्स के लिए नाइट में होता है, इस टाइम पे अगर बच्चा सो जाना 5:30-6 बजे करीब तो होता क्या है कि वो पूरी 8 घंटे की नींद भी नहीं हो पाएगी उसकी, वो 3 घंटे में उठ जाएगा। अगर 8 घंटे की नींद होती भी है तो आप समझ लो रात को 3:30-4 बजे तक उसकी नींद पूरी हो जाएगी, फिर वो उठ जाएगा। तो बेस्ट यही होता है कि अगर उसको हम मैनेज कर लेते हैं किसी तरह की जगा के रखें एटलीस्ट 7:30-8 बजे तक, 7:30 वो सोता है ना अगर तो दिक्कत नहीं है, फिर वो 5:30-6 बजे उसकी नींद खुलती है। भाई अब भूख लग रही है इस समय इतनी गंदी वाली ना, मतलब ऐसे लग रहा है कुछ भी मिल जाए खाने को।
पूरा दिन आज फोन नहीं उठाया। आज दोपहर को हमारी मार्केटिंग टीम से कोई एक लड़की मतलब छोड़ के जा रही थी, तो उनका फेयरवेल टाइप था, तो लंच किया हमने साथ में। मेरी बॉस भी थी, मैं भी थी, तो मेरे लिए वो सब जो बातें हो रही थी वो नई नई थी, बिकॉज मैं टीम में नई हूँ। बट एनीवे, बहुत सारा टाइम उसमें गया। उसके बाद काम चल रहा था, कुछ पोस्ट किया आज वो, और मंडे के लिए तैयारी। बहुत ही बिजी दिन था, एंड आई रियलाइज कि बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं करी आज। फिर बस वो करके जब यहाँ उतरी, टेस्को से कुछ कुछ सामान लिया डिनर की तैयारी के लिए, और अब घर जा रही हूँ। किसी को उठा लिया होगा उठना है, और आज मुझे 6:40 वाली ये बस मिल गई फाइनली। बड़ी मुश्किल से टाइम कभी कभी मैच हो पाता है, स्पेशली जब मैं लेट जाती हूँ, बट आज स्टिल आई वाज ऑन टाइम, मुझे वो बस मिल गई। एंड वीकेंड शुरू, कल हम लोग देखने जा रहे हैं फुकरे, और पहली बार मैं किचू को आर्यन के पास छोड़ के जाऊँगी। आई होप ही बिहेव्स और खुश रहता है वो आर्यन के साथ, क्योंकि सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं फुकरे देखने, और यूजुअली हम नहीं जा पाते कभी मूवीज़ के लिए, बट कल हमने सोचा है कि उसको आदत होनी चाहिए कभी। आर्यन से मेरी बात हुई तो उसने कहा बिल्कुल ज़रूर ज़रूर छोड़ो, आई होप वो रुक जाए, तो कभी आगे कोई ज़रूरत होती है तो मामू वेलकम टू द रेस्क्यू। बट बड़ी मिक्स फीलिंग्स है अभी। खैर, उसके साथ दो और फ्रेंड्स हैं जो ध्यान रखेंगी, तो होपफुली इट विल गो फाइन, और नहीं होता तो हम उसे घर से सिर्फ 10-15 मिनट दूर होंगे, ही विल कॉल एंड वी विल कम, बट मुझे लग रहा है रुक जाएगा। आ जा आ जा, आज मेरे डायरेक्टर को कॉल आ रहा है, जल्दी आ जा। कीचू आ चुके हैं रूम में, जंप कर रहे हैं बेड पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कीचू और मेरी मॉर्निंग हुई है जंप करने से, अभी हम इस वाले रूम में आके बेड पे जंप कर रहे हैं। Oh, this way over there. And this light. Slide तो आपके घर पे भी है। Help me. Papa, come. Papa. Papa, help. Good morning. तो हो चुका है सैटरडे, फिलहाल बन रहा है नाश्ता, और मेरा चल रहा है ऊपर सेशन, तो मैं अभी नीचे खाने आया हूँ। और आज दोपहर को करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट, स्पिन। ओके, अरे लटक जाता है मेरे हाथ पे यार ये। मेरे ऊपर स्टार है ना, मैंने उसको बोला काउंट करियो कितने हैं, शुरू करो। किचू, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? 1, 2, 3. भाई ने काउंटिंग शुरू की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 51, 52. इतना फास्ट फॉरवर्ड काउंटिंग करा है इसने। हम लोग हो चुके हैं रेडी एक्सपेरिमेंट के लिए। दिव्या का आउटफिट आपने देख लिया, मेरा भी देख लो। What are you eating? अपने से बाल देख के मुझे विक्रम का वो याद आ गया, पंच। विक्रम की पंच लाइन याद आ गई, विक्रम हमारे दोस्त है
इनको बता बेटा हम कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बालों की वजह से मैं फीमेल अजय देवगन लग रही हूँ, फीमेल अजय देवगन लगती हूँ लड़कियों की अजय देवगन, क्योंकि उस उनके भी बड़े बड़े बाल होते थे ना ऐसे पीछे करते तो लड़कियों की अजय देवगन योर्स ट्रूली दिव्या हरजाई। बच्चा हमारा सो गया पीछे और अब हम आर्यन के घर जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ तो पता नहीं टाइम से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और लेट्स सी। इसको छोड़ दिया हमने, सोया हुआ है अभी, तो आई थिंक एक डेढ़ घंटा सोते सोते ही निकल जाए। ढाई घंटे की फिल्म है, एक डेढ़ घंटा फिर आर्यन उसको एंटरटेन कर मामू इन हिज फॉर्म। ये म्यूजिक वीडियो बन रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। वापस आएंगे तो भी देखेंगे कितने बच्चे निकल जाओ। 5 बज गए। बाय बाय। ये है क्लीन एयर जोन चार्ज, जो 8 pounds लगता था हमारी पुरानी वाली गाड़ी में हर बार जितनी बार मैं बर्मिंघम आता था। मैं डेली का 800 रुपये लग रहा है सिर्फ गाड़ी की सिटी में लेके आने का। तो हमने लगाया इस गाड़ी में, नहीं लगता वो पुरानी थी ना डीजल वाली पुरानी कार थी, उनके लिए हो चुके हैं लेट। लेट हो गए हम, 5 बजे का शो था, 5:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। होपफुली बहुत सारे ऐड चलाए आज और पिक्चर हमारी मिस ना हो। इंटरमिशन। यस। हाँ इस बार मिला इंटरवल, वो आ गए कुछ खाने। तो अभी अभी बात हुई आर्यन से और वो अभी अभी उठा है बस 2 मिनट पहले खींचू और सब ठीक है, और यहाँ पे इंटरवल हो चुका है तो अच्छा लग रहा है। ये लीजिए। धन्यवाद। Kichu, are you having fun? Yeah. Are you missing Mama? Mama is in the office. Say hi. Hi. तो ये पहली फिल्म है जो पूरे ग्रुप के साथ में देखी है, सबको अच्छी लगी। बिल्कुल इतनी भीड़ हमने कभी मतलब एक साथ देखी नहीं है। गुड़गांव फील है, गुड़गांव बारिश हो रही है भाई बाहर, सीपी टाइप सीपी नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आर्यन ने हमें बहुत सारी वीडियोस भेजी उसकी कि क्या क्या चल रहा था और एक वीडियो में बोला ऐसे लग रहा है जैसे जेल से कैदी छूटते हैं ना, एक बार भी मम्मा पापा का नाम नहीं लिया उसने, जो एंजॉय कर रहा है वो वहाँ पे। बट एनीवे अब हम वापस जा रहे हैं, बस 15-20 मिनट लगा था हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। एक्चुअल में छुट्टी की चुकी हो गई है। हाँ उसको पूरी वहाँ पे लाडियाँ मिल रही है। काफी लाइवली है भाई बर्मिंघम तो, हमारे सामने स्पीड से गई है 5 से 6 कम से कम पुलिस की गाड़ियाँ, मैंने जब रुका मैंने कहीं ना कहीं कुछ कांड हुआ है। बहुत एक्टिवली यहाँ पे दिखती है पुलिस, मतलब हाँ मतलब इन इलाकों में लंदन और बर्मिंघम में तो स्पेसिफिकली। थैंक यू यार, मैं तो सो रही थी इसमें भाई, उसको तो मजे आ रहे हैं। उसको पार्टी से ला दो, सुगर एक का बैंग ला दो। कैसी थी मूवी? बढ़िया भाई। You were having fun? Yeah. Yeah. Thank you. तो इसके बाद हम पहुंचे घर, सफाई सुफाई की और सो गए। फिलहाल ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमॉरो।